नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं अपने किसान भाइयों के लिए, ऐसे हमारे किसान भाई जिन्होंने अभी तक अपनी EKYC कंप्लीट नहीं की है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी पीएम किसान सम्मान निधि की KYC हुई है या नहीं हुई है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो कितनी बढ़ा दी गई है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहां पर लास्ट डेट के बारे में, तो यहां पर जो लास्ट डेट है करीब तीसरी बार लास्ट डेट बढ़ाई गई है। यहां पर जो किसान EKYC जो कराने थे, तो अभी तक बहुत सी ऐसे किसान जो रह गए हैं तो उनकी EKYC अभी नहीं हो पाई है, इसलिए सरकार ने यहां पर जो KYC की टाइम है, जो डेट है, वो बढ़ा दी है। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले अपने PM किसान के पोर्टल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँगा, सबसे पहले आते हैं इसके मेन पोर्टल पर। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ PM किसान के पोर्टल पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको कई बार ऐसे वीडियो को मैंने क्रिएट करा है और आप तक इसका जो सलाह है मैंने आप तक दी है। तो फिर से मैं आपको यह बता दूं कि EKYC जो किसान भाई हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी कर रखा है। अगर उनके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वो अपने घर पर बैठकर अपनी KYC कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर उनके आधार कार्ड पर एक्टिव नहीं है तो वो किसी भी CSE सेंटर पर जाकर अपनी KYC करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है EKYC जो डेट है वो देखिए, यहाँ पर लिखा है 31 अगस्त 2022। तो यहाँ पर जो डेट है, सरकार ने तीसरी बार डेट को बढ़ाया है जो कि 31 अगस्त 2022 की है। उसके बाद दोस्तों, मैं बात करता हूँ अगर आपने EKYC कराई है या नहीं कराई है, तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी EKYC हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों, आपको सबसे पहले आना है फार्मर कॉर्नर पर। आपको यहाँ पर मिलेगा EKYC का एक ऑप्शन, आपको आकर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा OTP बेस EKYC, और यहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना होगा। जो भी किसान हैं उन्हें आपको यहाँ पर जो है अपना आधार नंबर एंटर करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार नंबर को एंटर कर लेता हूँ, और एंटर करने के बाद आपको सर्च बॉक्स पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे केवल अपना आधार नंबर डालकर, तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर आपने इससे पहले अपनी KYC करवा ली है और KYC करवा चुके हैं, तो यहाँ पर आपको लिख के आएगा EKYC इज ऑलरेडी डन। तो यहाँ पर जो KYC है वो आपकी ऑलरेडी डन है। अगर आपकी अभी तक KYC नहीं हुई है तो आपको यहीं पर अपना आधार नंबर डालना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अगर आपकी KYC नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा कि आप अपनी KYC कंप्लीट करें। तो दोस्तों, मैं बात करता हूँ यहाँ पर जो भी हमारे किसान भाई हैं जो रह गए हैं, तो उन्हें KYC कराना बहुत ही कंपलसरी है और उन्हें अपनी KYC करा लेनी चाहिए। अगर ऐसे किसान जिन्होंने अभी तक KYC नहीं कराई है, तो हो सकता है कि आने वाली जो किस्त है उनके खाते में ना भेजी जाए, क्योंकि दोस्तों KYC इसलिए हो रही है जहाँ पर KYC करने के बाद ही इनका डाटा जो है किसान केंद्र, जो कृषि केंद्र है, वहाँ पर जाता है, और वहीं पर ही ऐसे किसान जिनकी KYC हो चुकी है उनका डाटा वहाँ पर शो हो जाता है, तभी उनके जो पेमेंट है उनके खाते में आ पाएगा। फिलहाल दोस्तों, अगर आपने अभी KYC नहीं करी है तो अपना KYC ज़रूर करवा दें, जल्द से जल्द करवा दें। हो सकती है कि ये लास्ट जो डेट जो बढ़ाई गई है, हो सकता है कि डेट जो है आगे ना बढ़ाई जाए। तो इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपना ये KYC जरूर कराएं, जिससे कि दोस्तों और जो आने वाली जो किस्त है वो आपके खाते में बड़ी ही आसानी से आ सके। दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आप तक शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे और भी आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।